नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूं तो मैनपुरी डॉक्टरों के द्वारा धन उगाही और लापरवाही के चर्चे प्राइवेट अस्पतालों से आए दिन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद भी आज तक स्वास्थ्य विभाग इन लापरवाह डॉक्टरों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने में असमर्थ रहा है। इसका जीता जागता सबूत एक और मैनपुरी में देखने को मिला, जहां एक प्रसूता ने चिकित्सक की लापरवाही के चलते ऑपरेशन के दौरान दम तोड़ दिया। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम मानपुरा निवासी भूपेंद्र सिंह की पत्नी चांदनी, जो 9 माह से गर्भवती थी, उसको उधर पीड़ा हुई तो अपनी पत्नी को लेकर मैनपुरी शहर के जाने माने प्राइवेट अस्पताल आशा हॉस्पिटल में लेकर पहुंचा, जहां डिलीवरी के नाम पर, उससे पहले तो नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर 12,000 की बात की गई। उसके थोड़ी देर बाद में ऑपरेशन की बात करते हुए 40,000 रुपए और खून की भी मांग की गई। अपनी पत्नी और बच्चे को बचाने के लिए पीड़ित भूपेंद्र खून का इंतजाम करने के लिए चला गया। इसी बीच आशा अस्पताल की डॉक्टर ने पति से बिना पूछे ही महिला का ऑपरेशन कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब तक उसका पति मौके पर पहुंचा तो उसे उसकी पत्नी मृत अवस्था में ऑपरेशन थिएटर में ही पड़ी मिली। इस संबंध में जब पति ने नाराजगी जताई तो चिकित्सकों ने अस्पताल के मेन गेट पर ताला डालकर पीड़ित पति को बंधक बना लिया और हाथ पैर तोड़कर पत्नी के शव को बाहर फेंक मारने का धमकी देकर जबरन हस्ताक्षर करवा लिए। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस कोतवाली को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज, शव को कब्जे में लेकर मौत का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस संबंध में अस्पताल के संचालक से बातचीत करनी चाहिए तो वो मैं चिकित्सकों के अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। वहीं पुलिस चिकित्सकों की तलाश में जुटी हुई है। इस संबंध में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक कुमार पांडे से मीडिया ने पूछताछ करनी चाही तो वो कुछ भी बताने से मुकर गए और बोले कि FIR हो गई है, उसी से काम चला लो, हम इन बयानों में नहीं पड़ते। किस हॉस्पिटल में? आशा में। क्या प्रकरण हुआ उसमें? फिर आए ना, जब हमने भर्ती कर लिया, चेकअप वगैरह करवाए, रुपया जमा करवा लिए, थोड़ी देर बाद बोले उसको खून खाना है, खून निकालना तो निकालने के चले गए, लाके लगाए तो हम अकेले रह गए। तो जो वहाँ से उठा के ले आए मैं ऑपरेशन के लिए, हम पीछे पीछे चले आए, मेरे को ना कर बस ना तो मैं खून आ पाओ ना कुछ, 25-30 मिनट लगे बस अंदर से आने से, मैं खबर कर दी, कोई अस्पताल गए।